नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। क्या वाकई कोरोना का साइड इफेक्ट दिल के मरीजों पर अब तक भारी पड़ रहा है? दरअसल WHO की पूर्व चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का एक बयान इन दिनों सुर्खियों में है। उनके मुताबिक जिन लोगों को कोविड हुआ है उनमें हार्ट अटैक की आशंका 4 से 5% बढ़ गई है। ऐसे में कोविड के खतरे से बचने के लिए उन्होंने तीसरी डोज या बूस्टर की वकालत की है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि इन दिनों आ रही हार्ट अटैक्स की खबरों का क्या कोविड से अब तक कोई संबंध है और क्यों लोगों को कोविड से बचने के लिए बूस्टर लेना अनिवार्य है। साथ ही समझेंगे कि पोस्ट कोविड इफेक्ट से बचने के लिए लोगों को, खासतौर से हार्ट पेशेंट्स को, क्या कोई एक्स्ट्रा एहतियात बरतने की आवश्यकता है और अगर है तो फिर वो कौन सी एहतियात हैं। सब मुद्दों पर करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। कोरोना तो चला गया लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस अभी भी लोगों को बीमार करने का काम कर रहे हैं। बीते कुछ समय से युवाओं में हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं। नौजवानों में जिम में एक्सरसाइज करते हुए, डांस करते समय या गरबा खेलते समय हार्ट अटैक से मौत के मामलों ने हेल्थ एक्सपर्ट्स की चिंताएं बढ़ा दी हैं। हार्ट अटैक के इन मामलों को कोरोना से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट और साइंटिस्ट भी मानने लगे हैं कि कोरोना तो चला गया लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स अभी भी मौजूद हैं। दरअसल WHO की पूर्व साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन के एक बयान से कोविड के हार्ट अटैक कनेक्शन को लेकर फिर से बात सामने आई है। बयान के मुताबिक जिन्हें पहले कोविड हुआ है या वैक्सीनेशन के बाद भी जो लोग कोविड के शिकार हुए उनमें हार्ट अटैक की आशंका 4 से 5% बढ़ गई। वहीं पोस्ट कोविड इफेक्ट के चलते डायबिटीज और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ा है। सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि हमें केवल वैक्सीन के साइड इफेक्ट पर फोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि हर दवा या वैक्सीन के अपने कुछ न कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। लोगों के लिए ये समझना ज्यादा जरूरी है कि कैसे दुनिया भर के देशों ने वैक्सीनेशन ड्राइव के जरिए कोरोना को पटकनी देने का काम किया। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन की एफिकेसी रेट अच्छी होने के चलते ही कोरोना के खतरे को कम करने में हमें मदद मिली है। उन्होंने ये भी साफ किया कि कोविड के खतरे से बचने के लिए जोखिम वाले मरीजों और उम्रदराज लोगों को वैक्सीन की बूस्टर डोज लेनी चाहिए ताकि कोरोना के खतरे को और कम किया जा सके। अगर कोई दिल का मरीज है, साथ ही वैक्सीन के बाद भी वो कोरोना का शिकार हो चुका है, तो उसे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। दिल का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है क्योंकि पोस्ट कोविड इफेक्ट से बचने के लिए एहतियात बरतकर ही कोई अपने आप को सेहतमंद रख सकता है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोविड के वायरस ने दिल के मरीजों के हार्ट के मसल्स में सूजन की समस्या को बढ़ा दिया है जिसके चलते हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया है। साथ ही जिन लोगों को पहले से कोई हार्ट की बीमारी नहीं है उनमें भी कोरोना वायरस के चलते हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ा है। वैज्ञानिकों ने भी साफ कर दिया है कि वैक्सीनेशन ही कोरोना को पटकनी देने का असल उपाय है। भले ही कोरोना के अलग अलग वेरिएंट आ जाएं, लेकिन ये टीके से डेवलप हुई इम्यूनिटी को बेअसर नहीं कर सकते। टीका कोविड नहीं होने की गारंटी नहीं है, वो सिर्फ हमारे शरीर या कहें इम्यून सिस्टम को कोरोना से लड़ने के लिए ट्रेन करता है। ऐसे में खासकर हार्ट और शुगर के मरीजों को वैक्सीनेशन से नहीं बल्कि खराब लाइफस्टाइल और खराब खानपान से बचने और बदलने की जरूरत है, तभी हम कोरोना को हराते हुए दिल को दुरुस्त रख पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए आज के मेहमानों का परिचय आपसे सबसे पहले करा दें, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस वक्त सबसे पहले जुड़ चुके हैं डॉक्टर जयेश लेले, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर लेले, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ है डॉक्टर संजय राय, प्रोफेसर हैं एम्स में। डॉक्टर राय, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर धीमान काकली साहब, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं BM बिरला हार्ट रिसर्च सेंटर में। डॉक्टर धीमान, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। मैं सबसे पहले डॉक्टर राय आपके पास आना चाहूँगा। कोविड के दौरान हमारी काफ़ी बातचीत भी हुई कि क्या कोविड का कोई हार्ट का रिलेशन है। कई बार इस बात का पता चला कि वाकई में इम्पैक्ट हुआ है हार्ट पर, लेकिन जिस तरह से हम लगातार सडन कार्डियक अरेस्ट देख रहे हैं, हार्ट अटैक्स देख रहे हैं, यंग एज में जाना, अच्छे खासे जो कि जिम जाने वाले लोग हैं, मैराथन्स भागने वाले लोग हैं, उनका चले जाना कार्डियक अरेस्ट से, और इसी बीच डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का एक बयान जो कहते हैं कि कोविड के बाद 4 to 5% हायर रिस्क है, क्या आप इनको जोड़ पा रहे हैं सर, इन सारे बयानों और स्थितियों को? सवाल अच्छा है क्योंकि पूरी दुनिया से रिपोर्ट्स हो रही हैं
कुछ कार्डियक प्रॉब्लम्स जो है ज़्यादा ही रिपोर्ट हुई। और मैंने पहले भी कहा था, कई बार हम लोगों की बातें हो चुकी हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, जब ये तथाकथित फोर्थ वेव आने वाला था, ज़्यादातर लोग कह रहे थे, आपके साथ ही बैठा मैं इसी चैनल पर कह रहा था कि कोई संभावना नहीं है किसी वेव की हिंदुस्तान में अभी, कोई की साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। वो किस कारण से कहा जा रहा है उसका एक अलग पहलू हो सकता है कि 40 दिन बहुत ही क्रूशियल थे। कई बार देखिए, 3 साल पुराना वायरस हो गया है, 3 साल से ज़्यादा अब तो हो गया, हमें क्या एविडेंस जनरेट हुए हैं? मुझे नहीं याद है कि कोविड से ज़्यादा, कोविड 19 बीमारी से ज़्यादा या सास कोरोना वायरस 2 पे जितना रिसर्च हुआ है या वैक्सीनेशन ट्रायल जितने हुए हैं अनप्रेसिडेंटेड है, कभी ऐसे नहीं हुए। आज की डेट में 37 वैक्सीन हमें अप्रूव कर चुके हैं, 280 वैक्सीन जो है डिफरेंट फेजेज ऑफ डेवलपमेंट में है सिर्फ कोविड के लिए। तो हमें जितना एविडेंस जनरेट हुआ है उसी को यूज करना चाहिए, उस बेसिस पे। देखिए क्या एविडेंस है, सौम्या समनाथन से मैं ये सही सहमत हूँ कि कोविड होने के बाद कई टाइम्स जो है इंक्रीज हो जाते हैं हार्ट अटैक या कोई भी जो ब्लड क्लॉटिंग होने की संभावना, और इसीलिए शुरू में जो है ज़्यादा डेथ होती थी, बाद में जो है एंटीकोएगुलेंट जब कोविड होता था देना शुरू किए तो काफ़ी ज़्यादा जान बचाई भी गई। तो ये तो है जब भी कोविड होता है, लेकिन मैं उनके दूसरे पोर्शन से सहमत नहीं हूँ कि कोविड ये जो है बूस्टर डोज जो है उसमें बेनिफिट देगा, क्योंकि ये हमें समझना चाहिए वैक्सीन का क्या रोल है। वैक्सीन का जो रोल है सीवियरिटी और डेथ रोकता है, वो भी जब पॉपुलेशन ससेप्टेबल हो। जितना रोल वैक्सीन का था जब मेजॉरिटी पॉपुलेशन ससेप्टेबल थी, जब हमने 16 जनवरी 2021 को यहाँ शुरू किया या पूरी दुनिया में दिसंबर में 2020 में ही शुरू हो गया था, दुनिया के कई हिस्सों में, यूरोप में शुरू हो गया था, आपके यूएस में शुरू हो गया था मैसेंजर आरएनए वैक्सीन जो फाइजर मॉडर्ना, तो शुरू हुआ था उस समय पॉपुलेशन ससेप्टेबल था। ससेप्टेबल मीन्स न उनको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ था न ही वैक्सीन लगी थी, तो उसमें संभावना ज़्यादा थी। धीरे धीरे जब इन्फेक्शन होने लगा और हमारे पास अब एविडेंस इतने आ गए कि जिनको एक बार इन्फेक्शन हो गया वो लंबे समय तक प्रोटेक्टेड हैं, और शायद सबसे बड़ा कारण है कि भारत में जो किसी वेव का असर नहीं हो रहा है पिछले एक साल से अगर आप देख लें तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि नेचुरल इन्फेक्शन हो गया। वैक्सीन का जो रोल होता है वो एक लिमिटेड टाइम तक, 6 महीने 8 महीने तक होता है, 1 साल तक नहीं रहता है, इसीलिए बूस्टर की जरूरत पड़ रही है। जिन जिन कंट्री में अभी जो दिसंबर जनवरी में जिस बेसिस पे कहा गया था कि 40 दिन क्रूशियल हैं, जब ये कहा गया था उसका बेसिस यही था कि वहाँ पे आ रहा है, चाइना में आ रहा है, जापान में या साउथ कोरिया में केसेस बढ़ रहे थे, मैंने 5-5 लाख तक केसेस चले गए थे, हाईली वैक्सीनेटेड कंट्री हैं, जापान में 4 डोज भी लग चुकी है, तो हम इंडिया भी हाईली वैक्सीनेटेड कंट्री है। एक ही डिफरेंस था कि वहाँ कभी भी बड़ी वेव नहीं आई थी और इसलिए इन कंट्रीज में प्रॉब्लम हुई। जहां जहां वेव आ गई है नेचुरल इन्फेक्शन आ गया, क्योंकि अब तो हाई इंपैक्ट जर्नल में पब्लिश्ड है कि एक बार नेचुरल इन्फेक्शन होने के बाद हो सकता है आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाए सीवियरिटी और डेथ से, री इन्फेक्शन होगा, आरएनए वायरस है होता रहेगा। तो अगर वैक्सीन नहीं बचा रहा है इन्फेक्शन से, ऑलरेडी आपको वैक्सीन 2 लगी हुई है, इन्फेक्शन हो चुका है, तो वैक्सीन देने के बाद देखिए ये सब हाइपर इम्यून रिस्पांस होते हैं, ये जो क्लॉटिंग की मैकेनिज्म है ये आपका हाइपर इम्यून रिस्पांस है। कई वैक्सीन ले चुके हैं, इन्फेक्शन हो चुका है, फिर जब इन्फेक्शन होता है तो और ज्यादा होगा, तो अगर वैक्सीन उसमें कारगर नहीं है तो फिर जो है हार्ट अटैक को कैसे कम करेगा? अब जब ससेप्टेबल पॉपुलेशन था तब दूसरा पहलू था इसका, जी हाँ। तो इसलिए मैं दूसरे हाफ से नहीं है, पहले हाफ से सहमत है कि जब भी कोविड होगा तो उसमें प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो ये जो डॉक्टर स्वामीनाथन के बयान के बाद से थोड़ा सा एक चिंता, हम इसे कहेंगे थोड़ा सा अलार्मिंग स्थिति भी है, सतर्क हम इसीलिए कर रहे हैं आपको एक बार फिर से हम हमेशा की तरह बता देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को कि कोई हम कोई भ्रांति फैलाना या कोई डराना हमारा मकसद नहीं है, हम तो सिर्फ चीज़ों को डीक्लटर करके आपको सतर्क कर रहे हैं ताकि उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकें। स्वाभाविक डॉक्टर धीमान आपके पास मैं आना चाहूँगा, और हम लगातार चर्चा जब कर रहे थे कोविड के दौरान भी, और जब हार्ट का रिलेशन आया तो उसमें हमें बताया गया कि भाई इन्फ्लेमेशन से तो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्रभावित तो होता ही है, उसके इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग में प्रभाव होना स्वाभाविक है, उसमें मायरोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, अरिथमिया, ब्लड क्लॉट्स ये सब बनेंगे, ये हमको कहा गया था। लेकिन
इतने टाइम बाद क्या अभी भी हमारे हार्ट पर ये सारे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं सर? क्या अभी भी खतरा है कोविड के? अभी पूरी तरह से तो गया नहीं है, लेकिन जितना भी उसने डैमेज किया है, क्या अभी भी जिन जिन को कोविड हुआ है उनको खतरा है सर हार्ट की किसी तरह की प्रॉब्लम का? या हम जो देख रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी सॉ ड्यूरिंग द यू नो पैंडेमिक, इट गेव अस सम इनसाइट. वो जो देखा है हम लोग कि ये मोर ऑफ ए वैस्कुलर डिजीज है. ये वायरल डिजीज तो है, बट ये इन्फ्लुएंजा पैरा इन्फ्लुएंजा वैसा डिजीज नहीं है. ये एक अलग डिजीज है जिसमें वायरल इन्फेक्शन होता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, और उससे ज़्यादा वैस्कुलर ट्री ने अफेक्टेड होता है, और बॉडी का हर जो वैस्कुलर वेसल्स जो है उसमें क्लॉटिंग होता है. तो ये पहले जब इंग्लैंड में हुआ, यूरोप में हुआ, यूएस में हुआ, वो रिपोर्ट आता था कि वो लोग तो पोस्टमार्टम करता है, वो जो न्यूमोनिया बोल रहा है उसका पीछे ये है कि पल्मोनरी जो छोटा छोटा आर्टेरियल्स है कि बड़ा आर्टरी है उसमें भी वो थ्रोम्बोसिस हो जाता है. सिमिलर थिंग हम लोग ने देखा है कि जो पेशेंट आता था कोविड का सिम्टम ही है हार्ट अटैक लेके आ जाता है, और हम उसको हार्ट अटैक का माफी की उनको हम डील कर रहा था, एंड वी गॉट गुड रिजल्ट्स. ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस कोविड और नॉन कोविड हार्ट अटैक इज दैट कोविड हार्ट अटैक में जो थ्रोम्बस था, क्लॉट था, जो प्रोफेसर साहब अभी बता रहा था, वो बहुत बहुत ज्यादा था. और हमको क्लॉट रिमूवल के लिए, क्लॉट का डील करने के लिए काफी ध्यान देने पड़ता था. उसके बाद हम जैसे जिसको स्टेंटिंग दरकार है उसको स्टेंटिंग कर रहा था, और जो कम सा ब्लॉकेज है उसको मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहा था. एंड आप सही बोला कि इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस भी काफी करता है, और उसमें देहांत भी कभी कभी हो जाता है. हम जो देखा वो पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया एट्रियल फिब्रिलेशन बहुत बहुत किया. एट्रियल फिब्रिलेशन में ऑर्डिनरीली नॉन कोविड पेशेंट एवरी 12 सेकेंड्स समबडी समवेयर इन द वर्ल्ड मर जाता है, डेथ होता है एवरी 12 सेकेंड्स. तो उस टाइम हम देखा कि ये सब रोग, ये सब जो आता है पेशेंट कोविड से, वो प्रेजेंट करता है एट्रियल फिब्रिलेशन पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, मीन्स हार्ट रेट 170, 190, 200 हो जाता है, इरेगुलर होता है, पेशेंट को धड़कन होता है, और यू नो पी सिंकोप हो जाता है, बेहोश हो जाता है, सिंकोप होता है, ये सब लेके प्रेजेंट करता था, हार्ट फेलियर होता था. और ऑन द अदर स्पेक्ट्रम, ये तो 190, 180 को बात कर रहा है, और स्पेक्ट्रम में हार्ट ब्लॉक हो जाता है, हार्ट ब्लॉक है, हार्ट रेट इतना गिर गया 25-30 हो गया, तो टेम्पररी पेसमेकर डालने पड़ा, और उसके परमानेंट पेसमेकर भी देने पड़ा, और आफ्टर दैट द पेशेंट गॉट ऑल राइट. एंड इफ यू आस्क अबाउट द इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक्स और कॉरोनरी आर्टरी डिजीज और एरिथमिया इन दिस पोस्ट कोविड ग्रुप ऑफ दिस पेशेंट्स, दे आर समटाइम्स फाउंड, नॉट वेरी कॉमन, बट वैक्सीनेशन से जो होता है, वैक्सीनेशन से थोड़ा थोड़ा मायोकार्डाइटिस होता है. But we Indians are very lucky, and thanks to Damodar Bhai Narendra Modi ji that he has somehow done a very, very fantastic job by vaccinating 125 or 130 crores of Indians, and many of them double vaccinated hua hai. Aur jo hua hai, wo double vaccinated jo hua hai, uska to kaafi immunity hai. And hum bolenge, hum ye boldly bolenge ki as Indians we feel proud that we are in a better status than the Americans or the Europeans. Absolutely. Or the China. Absolutely. Because Chinese mein dekha, jo Shanghai ne ek mahina ke liye, jiska business city hai, business capital hai, Shanghai, एक महीना के लिए लॉकडाउन हो गया था. बिल्कुल सर, वहाँ पे तो उस लॉकडाउन के बाद सब कुछ एक अचानक से कोलैप्स ही हो गया था, उसकी कहानी हम सबको मालूम है. लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि किस किस तरह से अभी तक खतरा बना हुआ है हार्ट पर. डॉक्टर लेले, मैं आपके पास आना चाहूँगा सर. सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस वक्त क्या है? क्या इतने समय बाद भी हम अभी ये मान के चलें कि हमारे हार्ट को कोरोना ने एक बड़ा डैमेज कर दिया है, और अब हमें एक्स्ट्रा केयर रखने की आवश्यकता है हर कदम पर? डेफिनेटली आप जो बोल रहे हैं इसमें काफ़ी हद तक इसके अंदर
जो सहमत हूँ इसके साथ में, क्योंकि काफी पेशेंट्स मैंने देखे हैं लास्ट 2 इयर्स में जो अनएक्सप्लेन्ड, हम लोग बोलते हैं कि कार्डियक इमरजेंसीज आ गई है उनको, एट द सेम टाइम कार्डियक इन्वॉल्वमेंट हो गई, जैसे उन्होंने बताया कि पल्सरेट खो जाना, टैकीकार्डियाज है, इन्फेक्टिव मायोकार्डियोपैथीज है, ये सब जो डिजीज यंग उमेज में जिनको कभी भी पहले हिस्ट्री नहीं था उनमें ये देखा गया है। और नॉट ओनली दैट, उनका सीवियरिटी इतना पाया गया कि सडनली कार्डियक अरेस्ट आके सडनली कार्डियक डेथ की जो केसेस लास्ट 2 साल में हमने देखे वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है। उनको कभी भी पहले हिस्ट्री नहीं था, ना स्मोकिंग था, ना कोलेस्ट्रॉल था, ना शुगर था, तो लेकिन कोरोना जरूर हो गया था, तो ये नतीजा डेफिनेटली है। और आज भी हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री लेते हैं, कोई पेशेंट आया तो देखते हैं कि उसको कोई हिस्ट्री नहीं है लेकिन उसको हार्ट का प्रॉब्लम शुरू हो गया है, कम हद तक है लेकिन उसको, मैं ऐसा समझता हूँ कि सभी जो पेशेंट्स को कम जास्ती कोरोना हो गया है उन्होंने एक बार पूरा चेकअप करते रहना चाहिए और एवरी 6 मंथ फॉलोअप करते रहना चाहिए टू प्रिवेंट एनी अनएक्सप्लेन्ड अनएक्सपेक्टेड डैमेज टू द हार्ट। एब्सोल्युटली। तो थोड़ा सा यहाँ पर तीनों डॉक्टर्स की राय में थोड़ा सतर्कता बरतने की आवश्यकता अतिरिक्त होगी, क्योंकि तीनों डॉक्टर्स की राय यही है कि दिल पर तो देखिए असर करके गया है कोरोना और इसलिए आपको एक्स्ट्रा सतर्क रहना पड़ेगा। अब क्या करना है, डॉक्टर राय ने खारिज किया है उस ऑब्जर्वेशन को जो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने दिया था कि वैक्सीन कम से कम आपको अभी भी बचा सकती है, उस नज़रिए को खारिज कर रहे हैं डॉक्टर राय, लेकिन फिर करें क्या, फिर एक आम आदमी क्या करे। तो कोरोना की मार जो पड़ी है उससे अब तक दिल बीमार पड़ा हुआ है और ये जो हमारे आसपास अचानक से कार्डियक अरेस्ट की खबरें हम लोग सुन रहे हैं, शुरू शुरू में जो विशेषज्ञ हैं वो भी खुलकर वो ये कह नहीं पा रहे थे कि एग्जैक्टली ये कोरोना की वजह से, लेकिन धीरे धीरे अब मुझे लग रहा है कि एक आम राय बन रही है चिकित्सा जगत में भी कि खुलकर कहा जाए कि अब वाकई में आपके दिल को एक बड़ा आघात देकर कोरोना गया है और इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसलिए कोई खारिज भी नहीं कर रहा है, ये जो सडन कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं उनके और कोरोना के रिलेशनशिप को, इसी पर कर रहे हैं आज हम चर्चा। डॉक्टर राय, जब आपने स्वामी स्वामीनाथन जी का तर्क खारिज किया कि बूस्टर डोज से आपको मधुमेह, स्ट्रोक या हार्ट अटैक का जो कोरोना की वजह से उसका खतरा वो आपको बचा सकता है, तो क्या हम इसका मतलब ये माने सर कि अब कोई आवश्यकता नहीं रही बूस्टर डोज की और जो हमारे पास नेचुरल इम्यूनिटी है वही अब काम करती रहेगी? हमें जो है फिजिशियंस की राय लेनी चाहिए केस टू केस बेसिस पे। मैं ओवरऑल पब्लिक हेल्थ पॉलिसी की बात कर रहा हूँ क्योंकि जो एविडेंस जनरेट हुआ है, देखिए पब्लिक हेल्थ में हम हमेशा रिस्क और बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। जैसे कोविड वैक्सीन का जो बेनिफिट हमें मिलता है कि सीवियरिटी और डेथ कम करता है, 80-90% कम करता है, तो अगर हर 10 लाख लोगों में 1.5% केस फेटलिटी रेट था तो करीब 13,000 से 14,000 लोग ये हो रहे थे, मर रहे थे उससे, कोविड से, हर 10 लाख लोगों में। लेकिन जब वैक्सीन हमने शुरू किया, अगर उन पॉपुलेशन को कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ था तो उनमें से 15,000 में से हम 13,000 से 14,000 को बचा रहे थे, 80-90%। उनमें से 10-20 लोगों को वैक्सीन से भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं अगर 10 लोगों को, मान लीजिए वैक्सीन से भी हार्ट अटैक हो सकता है, ऐसा नहीं कि वैक्सीन से नहीं होता, हो सकता है, लेकिन 10 लोगों को हार्ट अटैक या कुछ कार्डियोमायोपैथी हो जाए, पेरिकार्डाइटिस हो जाए, जीबी सिंड्रोम हो जाए, बहुत से प्रॉब्लम हो सकती है वैक्सीन से, बट रेयर होती है। उसके सामने जो वैक्सीन का बेनिफिट है पर मिलियन जो है, मतलब हर 10 लाख में 13,000 से 14,000 लोगों को बताना, तो हम 10 को सेक्रीफाइस कर सकते थे। आज वो स्थिति नहीं है, आज या तो लोगों ने वैक्सीन लिया हुआ है और मेजॉरिटी को कोविड हो गया है, अब जो है 1.5% नहीं मरेंगे। अब मैं रिस्क एंड बेनिफिट करूं तो यह जो है कोविड के वैक्सीन के कारण से जो प्रॉब्लम होती है वह जो है ज्यादा हो सकती है, तो इसलिए हमें बड़े संभल के जो है कोई भी रिकमेंडेशन देना चाहिए। ऐसा नहीं है, अब लॉट ऑफ पब्लिकेशन है हाई इंपैक्ट जर्नल में कि कार्डियोमायोपैथी मैसेंजर आरएनए वैक्सीन से होता है, हमारी जो वैक्सीन यहाँ लगती है उसे ये क्लॉटिंग हो सकता है कोविशील्ड से, तो कई वैक्सीन के हैं बट रेयर होते हैं, वह जो है उस समय उस रेयर को हम एक्सेप्ट कर सकते थे, अब उस रेयर को नहीं, तो इसलिए उनका ये कहना, उसमें कोई साइंस मुझे नजर नहीं आता कि इससे जो है आपको जो है हार्ट अटैक बचेगा, जी नहीं, इन्फेक्शन तब भी होगा, इन्फेक्शन अगर होगा
तो कोविड के इन्फ्रास्ट्रक्चर कारण जो प्रॉब्लम होने वाली होगी। बट शायद डॉक्टर स्वामीनाथन ये कहना चाह रही हो कि आपको कम से कम जो प्राइमरी इन्फेक्शन है कोविड का, अगर आप एक्सपोज नहीं हुए हैं तो कम से कम उस प्राइमरी इन्फेक्शन से बचाएगा जो इन्फ्लेमेशन का बड़ा कारण है, शायद इस वजह से। देखिए, अब ज्यादातर लोगों को हो चुका है, अब वह स्थिति नहीं है जो आज से 3 साल पहले थी। ठीक है, मेजॉरिटी सीरो सर्वे जब हमने किया था सेकेंड वेव के बाद, ओमिक्रॉन के आने के पहले जब आईसीएमआर ने सीरो सर्वे, इस कंट्री में 70% लोगों को हो चुका था। कुछ जगहों पे, दिल्ली जैसी जगहों पे 80% से ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन उस समय हो चुका था। तो अभी बचे ही कितने लोग हैं। ठीक है सर, मैं समझ गया, यानी कि हर्ड इम्यूनिटी के सिद्धांत पर आप कह रहे हैं कि अब ऐसा संभवता कोई व्यक्ति बचा ही नहीं होगा जो नेचुरली या फिर कोविड, मतलब जो उसका वो एक्सपोज ना रह गया हो, तो इसलिए इस बात का आपने जो इसका खंडन किया है। खैर, अब हम आगे चलते हैं। डॉक्टर धीमान, अब फिर एक आम आदमी क्या करे? जैसे डॉक्टर लेले ने कहा कि एक सिंपल सी बात यह है कि अब आप गांठ बांध लीजिए, आपको रेगुलर चेकअप्स कराने हैं, लेकिन अब नॉर्मल आदमी क्या करे? अब तो हर कोई हमने आप क्वेश्चन किया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी, अभी क्या करना है। सो आई आल्सो यू नो एग्री विद प्रोफेसर संजय राय दैट यू नो वैक्सीनेशन मास्कल वोंट यील्ड मच बेनिफिट एट दिस स्टेज। और वैक्सीन का भी ऐसा नहीं है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वैक्सीन का भी साइड इफेक्ट है। वी आर फॉर्चुनेट अगेन दैट वी आर इन दिस कंट्री and our experience is that Covishield and Covaxin jyada acha hai than messenger RNA vaccine, because hamara jo dost log US mein hai, cardiologist hai, wo bolta hai ki wahan pe wo jo myocarditis sab bata raha tha uska incidence kafi high hai after taking this messenger RNA both the vaccines. There are two vaccines, I won't name any companies, but you know वो जो दो वैक्सीन है उससे हमारा जो वैक्सीन है वो अच्छा है, और इसलिए हम बहुत कंट्री में वो एक्सपोर्ट भी कर रहा था, उसमें मायोकार्डाइटिस का प्रॉब्लम बहुत ही कम है, और ऐसा नहीं मिला कि वो लेने से वो थ्रोम्बोसिस हो गया। थ्रोम्बोसिस देखिए जिसका कोविड होगा, बिकॉज यू नो 100% इम्यूनिटी तो कोई वैक्सीन नहीं देगा, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन देता है हम लोग रूटीनली, तो वो रूटीन होगा कि नहीं होगा वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए हम सोच सकता है, बट हम प्रोफेसर संजय राय के साथ एक मत है और एग्री दैट इट विल कॉज यू नो सम डेथ्स इन 1-1.5% केसेस। तो वो 10-15 हजार पेशेंट के लिए ये देना ठीक नहीं है। रादर क्लीनिंग द हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशन, स्टिल यूजिंग द मास्क यूज करना है जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जैसा एजेड पॉपुलेशन अबव द एज ऑफ 65। आई एम सॉरी सर, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं टोक रहा हूँ आपको, मैं फटाफट से डॉक्टर लेले के पास चलूंगा। सर डॉक्टर लेले, मुझे लग रहा है कि अब शायद हम तीनों इस हमारे जो आप तीनों पैनलिस्ट हैं वो इस बात पर सहमत हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन एक सक्सेसफुल अभियान हो चुका है, अब बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन पर, बूस्टर डोज से अलावा प्रिवेंटिव मेजर्स पर वापस आया जाए, ताकि जो साइड इफेक्ट्स और जो प्रॉब्लम क्रिएट करके गया है पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के, हार्ट के और दूसरी जगहों पे, उस पर अब फोकस किया जाए। सर डेफिनेटली, जो आपने शुरू में फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ वैक्सीनेशन मिला उसी टाइम पे जैसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस वैक्सीनेशंस की भी हमने देखे हैं, तो अभी आज के तारीख में व्हेन वी हैव डेवलप्ड हर्ड इम्यूनिटी और साथ साथ में ये वैक्सीन आ गया है, तो उसके ऊपर पूरा निर्भर नहीं रहना चाहिए। और डेफिनेटली अगर कोई लेता है वैक्सीन, किसी ने कभी लिया ही नहीं है, इसको ये नहीं है हुआ ही नहीं है, तो ले सकता है, लेकिन उसके ऊपर जोर दे के कंटिन्यूसली अभियान चलाने की अभी जरूर नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। और अगेन आई वुड से दैट टू, अगर आपको डायग्नोस करना है तो आप चेकअप करते रहना, नॉर्मल पर्सन को भी चेकअप करना बहुत जरूरी है, समझ समझ। बिल्कुल, तो कुल मिला के आज का निचोड़ यही है कि एक सक्सेसफुल अभियान के बाद अब बहुत ज़्यादा हम वैक्सीन के भरोसे ही बैठे रहें, ऐसी स्थिति में अब हमें नहीं रहना है, बल्कि हम हार्ट की एक्स्ट्रा केयर कैसे कर सकते हैं, रेगुलर चेकअप्स कैसे कर सकते हैं, और जो एक्सरसाइज के जो नियम बताए हैं, जो हमने पिछले सोच में भी डिस्कस किया कि सडन शुरू नहीं करना है, अचानक से एक ही दिन 20-21 किलोमीटर दौड़ के आप जो है सारे ब्लॉकेज हटा देंगे या हार्ट की प्रॉब्लम्स ठीक कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। तो धीरे धीरे करके आपको अपने हार्ट की हेल्थ की तरफ ध्यान देना है, यही है आज का जिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर संजय राय, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर जयेश लेले, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर धीमान काहली सर, थैंक यू सो मच सर। आपकी खबर आपका फायदा, में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।